Each one of them have different income: three five double zero, one five triple zero, seven five double zero, 13500 and five thousand. But not necessary in same order. M lives on odd number floor, but not on floor number three. The one who has income of eleven thousand lives immediately above M. Only two people live between M and the one who has income of seven five double zero. The one

अब M जो है है एक नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन थ्री पे नहीं रहता है, है, है. तो so यहाँ लेते हैं हम एंड बॉटम पे एम है नहीं तो एक केस में एम आपके पास थर्ड फ्लोर पे नहीं है सो एम थर्ड पे नहीं है तो एम एक केस में आपका बॉटम फ्लोर पे चला गया तो so एम यहाँ आ गया जिसकी सैलरी इलेवन थाउजेंड है दैट पर्सन इज जस्ट अब एम तो यहाँ पर आ गया इन दिस केस यहाँ पर आ गया आपके पास इलेवन थाउजेंड फिर गिवन है ओनली टू पीपल बिटवीन एम एंड द वन हुज इनकम इज सेवन फाइव डबल जीरो सो ये रहा एम एक दो यहाँ पे आ गया आपके पास सेवन फाइव डबल जीरो ये रहा एम एक दो यहाँ आ, आ गया आपके पास सेवन फिर गिवेन है नेक्स्ट गिवेन है यहाँ पर uh,

एन द वन हुज इनकम सेवन फाइव डबल जीरो पे आपके पास ओ कन्फर्म आ गया यहाँ ओ आ गया इस केस में यहाँ ओ आ गया एन ओ और फिफ्टीन थाउजेंड के बीच में तीन लोग है सो तो एक दो तीन यहाँ पर एम हो गया आपके पास फिफ्टीन थाउजेंड इन दिस केस एक दो तीन तो यहाँ पर आ गया आपके पास सेवेंथ प्लेस पर जो पर्सन है सेवन फ्लोर पे उसकी सैलरी होगी फिफ्टीन थाउजेंड फिर गिवेन है कि 15,000 जो है पी से ऊपर आएगा नंबर फ्लोर पे तो देखिए ऑर्ड नंबर फ्लोर पे आया है सो तो इस केस में पी कंफर्म है कि थर्ड फ्लोर पर आएगा इस केस में पी के लिए सिर्फ यहाँ जगह बची तो पी यहाँ गया फिर गिवेन है यहाँ पर द दान इनकम इज थ्री फाइव डबल जीरो लिव्स इमीडिएटली अब लिफ्स इमिडिएटली अब इनकम इज फाइव डबल जीरो सो यहाँ पे यही पॉसिबल है कि यहाँ पर थ्री फाइव डबल जीरो आ जाए एंड यहाँ पर आपके पास फाइव थाउजेंड आ गया इन दिस केस दो कंटिन्यूस जगह यही खाली है यहां पे आपके पास आ गया फिर हमें तो एस के लिए एक ही जगह बचिए दैट इज फ्लोर फिर गिवेन है हमें यहाँ पर कि ओनली वन बिटवीन वन पर्सन लिव बिटवीन एन एंड क्यू एन लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव क्यू नीदर ओ नॉर एम नाइन थाउजेंड सैलरी Q Q does not has income of 7500, which of Which the the following combination is true with respect to given given information? So given N Q और N और Q के बीच में एक person है Q की salary जो है वो seven five double zero नहीं है and M एन O किसी की भी salary जो है वो nine thousand नहीं है So यहाँ पे देखे यहाँ पर N और Q यहाँ आएंगे यहाँ N यहाँ Q बिकॉज क्यू की सैलरी जो है फिफ्टी फाइव सेवेंटी फाइव थाउजेंड नहीं है तो क्यू यहाँ नहीं आ सकता इन दिस केस क्यू आपके पास यहाँ नहीं आ सकता सो so यहाँ पे कहा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आ गया आपके पास एन uh, यहाँ आ जाएगा एन यहाँ पर और क्यू यहाँ आ गया सो so यहाँ पर आ गया आपके पास आर इस केस में यहाँ आर आ गया इस केस में यहाँ आ गया सो तो ओ की सैलरी नाइन थाउजेंड नहीं है तो एस की सैलरी हो जाएगी नाइन थाउजेंड एन ओ की सैलरी होगी आपके पास वन थ्री डबल फाइव वन थ्री फाइव डबल जीरो अब इस केस में या तो ओ की सैलरी होगी या तो एम की सैलरी होगी नाइन थाउजेंड और सबकी सैलरी डिफाइन हो चुकी है सो इसीलिए आपका अरेंजमेंट रॉन्ग हो गया बिकॉज एम और ओ दोनों में से किसी भी की सैलरी नाइन थाउजेंड नहीं होगी सो यहाँ पर क्या ओ की सैलरी वन फाइव वन थ्री फाइव डबल जीरो है बिल्कुल है क्या आर की देखिए आर की कितनी है सेवन फाइव डबल जीरो तो ये रॉन्ग हो गया